हेक्साडेसिमल टू डेसिमल, हेक्साडेसिमल टू डेसिमल कन्वर्जन। Thank you.
The track of a page
पार्टी को तब नहीं मार के जैसे एक दो दिन में बैन कर नॉर्मल जगह है उस कंडीशन से ज़्यादा बड़ी a b b
replace, simply replace each digit of given hex number. Gracias.
binary from LSP by its equivalent X number. Finished after that, we may have to take up. For fractional binary number, the grouping start from binary 1. बाकी आगे क्या करना है वही करना है जो पहले आपने किया था. तो मुझे इधर लिखिए ग्रुपिंग स्टार्ट फ्रॉम बाइनरी वन. Thank you.
प्राइमरी पॉइंट है और नेक्स्ट पॉइंट में बताया जाए
Excelente.
हेक्साडेसिमल टू आपको ऑक्टल जाना है, सबसे पहले हेक्साडेसिमल के प्रत्येक जो डिजिट है उनके इक्विवेलेंट बाइनरी सिंगल डिजिट की बाइनरी क्या है, फोर में फोर हेक्साडेसिमल है, फोर वन की जगह पर जीरो 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 वन, फिर टू की जगह पर जीरो जीरो वन जीरो, सी मीन्स वन जीरो वन वन
थ्री बिट बाइनरी से रिप्लेस आप कर रहे हैं, और उसके बाद रूटीन करेंगे फोर बिट, आपके फोर बिट को टेक्स्ट नंबर से हटा रहे हैं। आपके सारे लेटर आने लगेंगे,
ठीक है। ब्रेक मोड को हम यूज करेंगे KMI, KMI में जब यूज करते हैं तो जब आप लिखेंगे यहाँ पर मैपिंग बनाएंगे तो मान लीजिए कि वो वेरिएबल के लिए KMI होगा आपका इस प्रकार से बनता है, चार वेरिएबल ABCD जो कि बाइनरी वेरिएबल हो गया करता है। तो यहाँ पर जो वेरिएबल ABCD लिख देंगे, यहाँ पर CD लिख देंगे, तो उसके नीचे में जो प्रत्येक ये सेल कहलाएंगे मैपिंग, प्रत्येक सेल में उसके करेस्पॉन्डिंग जो नंबर लिखेंगे, यहाँ पर 00, यहाँ पर 01, तो इसके बाद फिर 1 बना कर फिर 10 आएगा। ये ग्रुप ग्रे कोड का ग्रुप है। ग्रे कोड में ये कहते हैं कि जैसे आपने यहाँ पर 00 लिखा तो जो अगली नंबर आए उसमें केवल एक बिट ही बदलना चाहिए, ठीक है। 00 के बाद अगली जो आएगी वो 01 10 नहीं, क्योंकि 10 लिखने का मतलब कि दोनों को आपने बदल दिया, ये 0 को जो है आपने बदल दिया इसको, ठीक है। अब यहाँ पर इसके बाद देखिए इसके बाद क्या आना चाहिए, 10 आना चाहिए, यही यहाँ पर समझा रहे हैं बात को समझिए कि 10 आना चाहिए, बस ग्रे कोड में नहीं आना। कारण कि अगर इसके बाद 10 आता है तो आपको दोनों इंटरचेंज करना पड़ता है, 1 को 0 करना पड़ रहा है और 0 को 1 करना, ये नहीं हो सकता, बदलेगा एक ही। तो इसलिए 01 के बाद 1 और ये आईडी रहेगा 1, अब फिर इसके बाद आता है 10, ठीक है। ये होता है ये चीज यहाँ पर देखते हैं, इसको ब्रेक हो तो इस तरह की और भी बातें हैं, वो सब चीज़ें आगे की जरूरत पड़ेगी, वो आते रहेंगे डिजिटल में, और इससे ज़्यादा की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और इसके बाद हम यहाँ पर शुरू करेंगे डिजिटल सर्किट, ठीक है। Personal computers, calculators,
डिजिटल सिस्टम्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स बस
ठीक है। इस कंडीशन में यहाँ पर देख रहे हैं कि इनपुट आउटपुट दोनों की जो सिचुएशन है उसमें वेरिएशन दो स्ट्रीम वैल्यू के बीच में कंटिन्यूस बना हुआ है, इसलिए एम्पलीफायर आपका किस कैटेगरी में एनालॉग सर्किट की कैटेगरी में होगा। लिखिएगा इसमें एम्पलीफायर सिग्नल ब्रैकेट में लिखेंगे अल्टरनेटिंग वोल्टेज और करंट। Yeah.
सर्किट इस सिग्नल को यूज करें वो आपके डिजिटल सर्किट कहलाएंगे, और अगर सिस्टम इन सर्किट को यूज करके बनाए हैं तो आपके डिजिटल सिस्टम जैसे आपका कंप्यूटर है या कंप्यूटर है। ये दो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स utilize it.
digital signals. It can be utilized, these digital signals are called digital circuits. Digital circuits. And the system, and the systems which are made by and the systems which are made by using these digital circuits Thank you.
ठीक है, तो डायरेक्ट बात कर रहे हैं कि जो दो आपके लेटर हैं इनमें से जो हायर लेटर है उसको हाई कहा और जो लोअर लेवल है उसको लो कहा। सीधी सीधी बात की आपने, तो ये कह जाता है आपका पॉजिटिव बैलेंस। जब इस प्रकार के जो सिस्टम जो इस बात को करें कि लो वाले लो दिखाएंगे और हाई वाले को हाई दिखाएंगे, तो आपके पॉजिटिव प्लानिंग सिस्टम पर वर्क कर रहे हैं ऐसा माना जाएगा। और जो यहाँ पर आपका ये रिप्रेजेंटेशन यूज हो रहा है ये पॉजिटिव लॉजिक कहलाता है, ठीक है। इसको सिंपली पॉजिटिव लॉजिक रिप्रेजेंटेशन, इसको आप कहेंगे यहाँ पर ठीक है। दूसरी सिचुएशन ये हो सकती है कि जो हाई
in each case there are two discrete levels these levels can be represented low.
system work out on the basis of such signals are called negative cladding systems. लेकिन जो आपका नेगेटिव लॉजिक सिस्टम होगा उसमें जब आपका सिग्नल इनपुट होगा तो जो हायर होगा हायर वन को लो शो करेगा और लो को हाई शो करेगा और इस प्रकार का जो सिस्टम होगा वो नेगेटिव लॉजिक सिस्टम। लॉजिक वर्ड सिर्फ इसलिए आ रहा है यहाँ पर कि यहाँ पर जो सिस्टम का बिहेवियर है वो लॉजिकल। लॉजिकल का मतलब क्या है वो आगे देखना। जब हम लॉजिक की बात करते हैं तो आपको बताया गया कि डिजिटल वर्ड जैसे भी आया आपने यूज किया है वहाँ पर क्या डिस्क्रीट में। डिजिटल वर्ड जहाँ पर भी आएगा वहाँ पर डिस्क्रीट वर्ड यूज मतलब कि अब केवल दो वैल्यू पास कर रहे ना दो से तीसरी होगी और ना उन दोनों के बीच होगी तो भी ठीक है। तो पहला सिस्टम आ गया कि या तो हाई होगा या तो लो होगा क्योंकि जो भी आप सिग्नल प्रोवाइड करेंगे वो करंट या वोल्टेज का आप उस करंट या वोल्टेज सिग्नल में उसकी जो वैल्यू होगी या तो लो होगी या तो हाई होगी। अब कितनी वैल्यू को आप लो कंसीडर कर रहे हैं और कितनी वैल्यू को हाई कंसीडर कर रहे हैं ये तो उस सिस्टम पर डिपेंड करता है। मान लीजिए कि आप उसने ट्रांजिस्टर यूज किया है जैसा कि आप देखते हैं प्रैक्टिकल लैब में तो आपने प्रैक्टिकल करते समय देखा होगा कि जब आपका इनपुट 0 से 1 के बीच में रहता है लगभग तब उस कंडीशन में आउटपुट उसके करेस्पॉन्डिंग आपको मिलेगा किसके करेस्पॉन्डिंग लो के ठीक है। अब आपका वर्किंग लॉजिक सिस्टम क्या है लॉजिक गेट क्या है उसका डिफाइन होगा कि आउटपुट आपका हाई होगा कि लो। मान लीजिए कि आपने नैंड गेट को यूज किया है तो नैंड गेट के केस में जब आपका इनपुट लो है तो आउटपुट क्या मिलता है हाई मिलता है। तो पॉजिटिव लॉजिक सिस्टम को यूज कर रहा है जब आपने वोल्टेज को लो रखा एक लिमिट ऐसा नहीं है कि जीरो है तो फिर वो कुछ एक रेंज तक लो बना रहा उस रेंज को वो कंसीडर करेगा कि लो और वो डिपेंड किस पर कर रहा है जो आपके सर्किट में पैरामीटर और जो आपका ट्रांजिस्टर लगा है उसके पैरामीटर ठीक है। अगर आपके सर्किट में केवल एक डायोड लगा मान लीजिए कि यहाँ पर आपने एक डायोड लगाया और ये डायोड आपका आइडियल सिंकान लगा बाकी जो आपने कंडक्टर कनेक्ट किया है यहाँ पर इस प्रकार से मान लीजिए कि आपने इसे लगा दिए उनके रेजिस्टेंस नेगलिजिबल तो उस कंडीशन में अगर इस वोल्टेज को आप वैरी करते हैं मान लीजिए कि 0 से 6 वोल्ट तक या 5 वोल्ट तक आप वैरी कर सकते हैं इस वोल्टेज को तो इस कंडीशन में अगर ये सिलिकॉन टाइप का आयोग हो गया और इसको ये बल ग्लो करेगा मतलब कि जब ये इनपुट
ये आपका इनपुट, ये इनपुट आपका इस रेंज में है, लो है, तो यहाँ पर ये नहीं चलेगा, लो नहीं चलेगा, जबकि जो आउटपुट वाई है ये आपका लो है, ठीक है। और इसके बाद इसको आप इंक्रीज करना शुरू करेंगे, इनपुट इनपुट को पढ़ाएंगे, जैसे इसके आगे बढ़ेगा अब कुछ करंट मिलेगा, पर ये जो बल्ब है आपका ऐसा नहीं है कि जैसे 1.65 वोल्ट के आगे बढ़ेगा तो ग्रो करने में, ठीक है, धीरे धीरे वोल्टेज बढ़ाएंगे, इसके बाद बढ़ना शुरू होगा, कुछ अब इसके फिलामेंट पर लास्ट करेगा। अब एक कंडीशन ऐसी आएगी, मतलब कि वोल्टेज की रेंज ऐसी आएगी रेंज में ये फुल्ली ग्रो करने लगे, ठीक है, आप उसके बाद अगर पढ़ाते हैं तो आपको ये पता नहीं चलेगा कि इसका जो ग्रो है मतलब इसकी जो लाइट की इंटेंसिटी है वो बढ़ रही है या नहीं। हो सकता है कि वो वोल्टेज आपका यहाँ पर 4.2 वोल्ट से हाई वोल्ट के बीच, जिसके बीच में ये मैक्सिमम इंटेंसिटी प्रोवाइड करेगा, तब आप क्या कहेंगे कि वो मैक्सिमम लगिया फुल्ली ग्रो कर रहा है और ये हाई है, तो हाई लेवल के लिए रेंज है, ठीक है। अभी भी यहाँ पर कोई बल्ब लगी हुई है, किसी प्रकार की डिजिटल डिवाइस नहीं है, इसलिए इस प्रकार का वेरिएशन आए, लेकिन अगर किसी बल्ब की इंटेंसिटी से कनेक्ट यहाँ पर कोई दूसरी डिवाइस हो कि इस पर इसकी लाइट पड़े और ये निश्चित हो कि लाइट की इंटेंसिटी जब एक निश्चित वैल्यू से आगे अगर आई नाट से ज़्यादा इंटेंसिटी होगी तभी अगली डिवाइस वर्क करेगी, तब आपका आई भी एक रेंज में डिफाइन है, ठीक है। कि अब जो बल्ब की इंटेंसिटी है वो 4.2 वोल्ट पर आई नाट के बराबर होती है तब अगली डिवाइस वर्क करती है, ठीक है। तो ये आपका हाई लेवल, तो हाई लेवल 4.2 से 5 के बीच में डिफाइन होगा, ठीक है, बीच की कोई भी वैल्यू इस डिवाइस को वर्क करेगी। तो अब इस कंडीशन में आपको यहाँ पर जो लॉजिक यूज करना है कि आपका हाई हो गया तो ये आपका पॉजिटिव लॉजिक, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए कि इन्वर्टर गेट है, कहीं पर इन्वर्टर लगा हुआ है, उस कंडीशन में जब आपने लॉजिक सिस्टम में हाई रखा तो आपको ऊपर लो रखेगा, क्योंकि जब आपने हाई प्रोवाइड किया है तो आपको लो मिल रहा है, इसलिए लो वाले को उन्होंने हाई कहा है या हाई वाले को लो कहा, ठीक है। लेकिन जैसे ही इनपुट आपका लो होगा वैसे ही आउटपुट हाई होगा, तो इस प्रकार का जो सिस्टम होगा वो नेगेटिव लॉजिक सिस्टम पर काम करेगा, जबकि जैसा आप दे रहे हैं उसका जैसे उल्टा होगा, जैसे इन्वर्टर में होगा इन्वर्टर नेगेटिव लॉजिक सिस्टम पर जाएगा, ठीक है। जब आप इनपुट जीरो कर रहे हैं तब आउटपुट उसका कैसा ही होगा, RTL नॉट गेट के लिए होगा कि यह होगा क्या, कि जब कोई इनपुट नहीं है तब आउटपुट मिलता है, ठीक है। जैसे ही आपने इनपुट प्रोवाइड किया आउटपुट आया, तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो आउटपुट है वो नेगेटिव सिस्टम पर काम कर रहा है, नेगेटिव लॉजिक सिस्टम, इसी को इसीलिए उसे उसको जो है वहाँ पर इन्वर्टर सिस्टम कहा, इसीलिए उसको इन्वर्टर गेट भी कहते हैं, और इसी कारण से उसका नाम आएगा नॉट गेट, मतलब कि जो है वो नहीं गेट बना नॉट, तो इसलिए उसको नॉट गेट कहेंगे, नेगेटिव लॉजिक बन जाएगा। तो दोनों लॉजिक सिस्टम आपको पढ़ना है, दोनों को प्रैक्टिकली परफॉर्म भी करना है, ये चीज़ यहाँ पर करना है। अब बात आती है कि यहाँ पर किसी भी डिजिटल सर्किट को लॉजिक सर्किट क्यों कहा गया, थोड़ा सा इसमें सुनिएगा। 1854 में 1854 की बात करेंगे, 1854 में एक मैथमेटिशियन थे, इंग्लिश मैथमेटिशियन, नाम था इनका नाम का पूरी ने बताया, ठीक है। ये कुछ मैथमेटिकल लॉजिक पर काम कर रहे थे और काम करते समय इन्होंने अपनी एक किताब लिखी थी, जैसे कोई रिसर्च के लिए हम लोग आर्टिकल लिखते हैं उस तरह से, तो इसमें इन्होंने जो बातें यूज की उसमें उन्होंने दो चीज़ें बताई, जहाँ जहाँ पर मैथमेटिकल सिस्टम था तो जहाँ जहाँ पर बात आई उनकी ये कोई भी बात है और ये ट्रू, उसको इन्होंने कह दिया कि ये स्वर्ण है, और जहाँ पर फाल्स की बात आई उसको इन्होंने जीरो से रिप्लेस कर दिया,
बाइनरी नंबर सिस्टम को यूज किया क्योंकि वहाँ पर दो ही ट्रू के लिए इन्होंने वन यूज कर लिया और फॉल्स के लिए जीरो। ठीक है, इसी को आगे चलकर जब इन्होंने अपना वर्क प्रोवाइड किया और इसमें मेडिकल एनालिसिस के लिए ट्रू फॉल्स की जगह पर वन जीरो यूज किया और यहाँ पर इन्होंने बाइनरी नंबर्स को यूज करके जो एलजेब्रा प्रोवाइड की उसको कहा गया है नॉन यूक्लिडियन एलजेब्रा। इसके बाद आगे चलकर 1939 में एक दूसरे साइंटिस्ट आए क्लाउ सेन, क्लाउ सेन का जो काम था वो रिले और स्विचिंग एक्शन रिले और स्विच पर काम कर रहे थे। तो रिले और स्विच के केस में क्या है कि आप अगर किसी भी स्विच की बात करते हैं तो स्विच के दो मोड होते हैं, एक में आउटपुट पर करंट मिलती है और दूसरे में नहीं। जैसे कि आपकी लोड है, स्विच लोड होने का मतलब सर्किट लोड जनरल लैंग्वेज पर बन जाएगी, मतलब कि स्विच ऑन है तब उस कंडीशन में करंट आपको मिलेगी, मतलब आउटपुट ये लगाया ये कह सकते हैं कि आउटपुट आई है। और जब स्विच आपकी ओपन है या स्विच ऑफ है तब उस कंडीशन में आउटपुट आपको नहीं मिलेगा, आउटपुट जीरो होगा। दो चीज़ें उनके सामने आई कि आउटपुट या तो लो है या तो हाई है। उस कंडीशन में भी उन्होंने बाइनरी नंबर सिस्टम का यूज करते हुए लो और हाई को जीरो और वन, ठीक है, लो और हाई को जीरो और वन कहा। या स्विच के एनालॉजी को यूज करें तो स्विच जब ऑफ थी तो उसको उन्होंने जीरो और जब ऑन थी तो उसको उन्होंने वन कहा, मतलब कि ऑन ऑफ या हाई लो इसको उन्होंने वन और जीरो कह दिया। यहाँ पर आगे करके क्लाउड सेनन का जो काम है उसमें रिले और स्विच के केस में इसको उन्होंने कह दिया हाई, या इसी को उन्होंने स्विच के केस में कहा कि ना आउटपुट के केस में हाई, और यहाँ पर इसको कह दिया कि लो। हाँ, स्विच के केस में इसी को कह दिया कि स्विच, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पर भी वही डिजिटल फेनोमेना यूज हुई जो कि ज्यादा दूरी ने यूज किया, मतलब कि दोनों के काम में मैचिंग हुई, इसलिए यहाँ पर जो क्लाउड सेनन ने वर्क किया तो क्लाउड सेनन ने अपने वर्क में डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम का यूज कर रहे थे रिले और स्विच का, तो जो इस लॉजिक पर काम कर रहे थे जीरो और वन की लॉजिक पर जो कि ज्यादा दूरी द्वारा प्रोवाइड की गई थी मैथमेटिक्स, इसलिए यहाँ पर जो आपके इलेक्ट्रिकल सिस्टम थे उनको लॉजिकल सिस्टम लॉजिक थी कि हम लोग को ऊपर कहेंगे पास को जीरो कहेंगे। और सिमिलर लॉजिक इन्होंने भी यूज की कि जब हाई है तो वन से और लो है तो जीरो से, या ऑन है तो वन से और ऑफ है तो जीरो से। इन्होंने इलेक्ट्रिकल सिस्टम जो कि रिले और स्विचेस उनके लिए अपनी एनालिसिस प्रोवाइड की, इसलिए इस प्रकार के सिस्टम जो कि इस लॉजिक को यूज करेंगे जीरो और वन की लॉजिक को बाइनरी नंबर सिस्टम की लॉजिक को उनको लॉजिक सिस्टम या लॉजिक सर्किट का लॉजिक वर्ड कभी आया, मतलब कि किसी भी डिजिटल सर्किट को लॉजिक सर्किट कहने का क्या मतलब है ये बता कि किसी भी डिजिटल सिस्टम को आप लॉजिक सर्किट या लॉजिक सिस्टम क्यों कहें, तो वो लॉजिक वर्ड यहाँ से क्योंकि जो लॉजिकल एनालिसिस की जाए के द्वारा उसको उन्होंने यूज किया, इसलिए इनके सिस्टम को डिजिटल सिस्टम को लॉजिकल सिस्टम भी कहते हैं। ठीक है, चले आगे की बस ठीक है, यहाँ तो थोड़ा सा आप लोग चाहें तो हिस्ट्री का लिखा नहीं, हिस्ट्री का लिखा चलिए अगले बताइए कैसा होगा।